Hey guys, welcome back to my channel. This is your boy Arman and you're watching Dilli Wala Arman. भी हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ से आ रहे हैं। वो क्लिप देख रहे हैं आप ऊपर? जी हाँ, जहाँ पर लोग अभी जा रहे हैं, और लेकिन वो क्लिप पे जाके नहीं जा रहे हैं। I mean क्लिप पे नहीं चढ़ रहे हैं। हम लोग हो गया है भाई साहब, अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, बहुत मजा आने वाला है। अब हम लोग जा रहे हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। पहले मैं इसके बारे में बता दूँ, यहाँ पर जब भी आप लोग आएंगे तो एक स्लाइड आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा, सीधा मुंह निकल जाना, वरना ये आप छोड़ देंगे। इसका नाम है स्काई वॉक। बाइक जहाँ पर भी पार्क करेंगे या कार जहाँ पर भी पार्क करेंगे, हमें बाइक का प्राइस पता है क्योंकि हमने बाइक की पार्क करी है। तो बाइक के चार्जेस हैं 5,000 डॉन, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब हम लोग निकल रहे हैं अपने सेकंड पॉइंट के लिए, जो कि है डॉन मैन। ओल्ड टाउन है, काफी अमेजिंग टाउन है, काफी फेमस है। क्या होता है वहाँ पर, मैं आपको वहाँ पर जाके बताता हूँ। वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं, अब मिलते हैं आपको डॉन मैन। गाइस, ये ना हाइजीन लूप चल रहा है और इसकी मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पर जाके एक एक करके वीडियोस देख सकते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एक भी वीडियो अगर आप लोग छोड़ेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छोड़ देंगे, बिकॉज ये कंटिन्यूटी में वीडियो चल रही है। एक वीडियो मिस करी आप काफ़ी कुछ मिस कर देंगे, तो इट्स बेटर कि आप सारी ए टू जेड वीडियोज़ देखें, चाहे वो आपकी मर्जी है स्किप करके देखना है स्किप करके देख लो, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ले लो, बिकॉज इस जगह के लिए आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं चलेगी और एल्स आपकी वाट लग जाएगी। प्रॉब्लम में पड़ सकते हो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है तो जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। इट्स बेटर कि आप ये सारी वीडियोस अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें जब भी आप लोग यहाँ पर आ रहे हो। हम ये नॉर्मली लोग 3 से 4 दिन में करते हैं, 3 तो करते ही करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इनका चलता है। अब जब ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ पर कैसे जाना है और कितना टाइम लगेगा और कहाँ पर रुकना है, तो वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता चल जाएगी मेरी वीडियोस के थ्रू। डॉन मैन एक टाउन है जहाँ पर हम लोग अभी जा रहे हैं, जाते हैं वहां पर आपको दिखाते हैं कि वो एक्चुअली लगता कैसे है। गाइस, ये यहाँ पर ना एंड हो रहा है स्काई वॉक का, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से होती है और एंड वहाँ पर है स्काई वॉक का। अब तो दिख भी नहीं रहा होगा, वो क्लिप सा दिख भी नहीं रहा होगा, जूम करके मैं शायद दिखा दूँ आपको, शायद आपको दिख रहा हो, तो मुश्किल है। तो अगर वो आप नहीं कर पाते तो ये छोटा सा यहाँ पर इन्होंने अलग से बनाया हुआ है जहाँ पर वो बंदे बैठे हुए हैं ना, बैठ के क्लिक करवा रहे हैं। आप वहाँ पर भी जाके फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। अगर आप इतना एडवेंचर नहीं करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाके फोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। हमारा हो गया, हम निकल रहे हैं सीधा डॉन मैन। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं डॉन वैन में। स्काई वॉक से इसका डिस्टेंस है 9 किलोमीटर 16 मिनट के लगभग, यहां पर आपको पहुंचने में टाइम लगेगा। ये ओल्ड टाउन है, बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराना टाउन है हाइजीन लूप के अंदर। ये फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां की मार्केट एक्चुअली लगती कैसे है। ये मेन मार्केट एरिया है इनका, ये खाने पीने की जगह है, ये है बानवी का स्टॉल बोल लो, रेस्टोरेंट बोल लो। तो आज मैं आपको एक और वियतनाम की फेमस खाने की आइटम बोल लो तो वो आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कैसे बनती है वो और कैसी लगती है वो। उसका नाम है बानवी। बेसिकली ये होता है सब, सबवे में आप गए होगे तो सब होता है, या बोगे जो सर ने खाया था सापा में वो होता है, तो उसी तरीके का आइटम है, बट बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा मिलता है वियतनाम में और बहुत ही कॉमन है। प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता इसका, बहुत चीप में आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये बन रहा है वन ओनली एग। इसमें ब्रेड ये लोग गरम करते हैं, रोस्ट करिए, आई डोंट नो गरम ही करिए। ये चीज है, आई थिंक चीज ना, चीज मीट है, सॉसेज, ओके, एंड दैट वन मीट, सलाद, ओके सलाद। ये हो गई है इनकी बानवी रेडी। डन, कैसा लग रहा है सर? हमारा
हेलो जी, हेलो, साउथ दिल्ली से आए हैं हम लोग, कैसे हो अंकल जी? सो गाइस, यहाँ पर जो हम लोग बानवी खा रहे हैं, यहाँ पर ये फ्रेश ब्रेड बनाते हैं, और ये ब्रेड देखो यार कितनी प्यारी है। इतना नॉर्मल सा प्राइस ले रहे हैं ना ये लोग बानवी वगैरह के लिए, बहुत नॉर्मल। सो यहाँ पर ये फ्रेश ब्रेड बनाते हैं। हेलो, हाउ आर यू? तो यहाँ पर ये फ्रेश ब्रेड बन रही है इनकी, और केक वगैरह, ये आटा गूंदा जा रहा है। ओके ओके, ये इनका पिज़्ज़ा आई गेस अंदर ओवन में जाएगा। नाइस मीट पिज़्ज़ा। हाँ हाँ, पिज़्ज़ा सॉसेज। ओके, ये जो बानमी थी वो 30,000 डोंग। तो ये जगह जो है डोंगमेन, उसकी ये मेन मार्केट है। यहाँ पर होटल वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे आपको, बहुत ही प्यारे प्यारे। ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। फिलहाल मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मार्केट कवर करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें अपने अगले पॉइंट के लिए भी निकलना है, जो कि है फ्लैग टावर। उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा आपको, फिलहाल मार्केट के थोड़े बहुत दर्शन करा देते हैं, आइए। ये जो मैडम पहनी है वो इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये पूरी रात में यहाँ पर मार्केट लगती है, इधर भी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ कुछ ऐसे से लगती है मॉर्निंग के टाइम पे, बहुत प्यारी। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ ये डोंगमेन टाउन है। यहाँ पर जो है बॉनफायर होती है, डोंगमेन ओल्ड टाउन, क्या मजेदार है। बहुत ही शांत लोग हैं यहाँ पर, बहुत बहुत प्यारे, बहुत हम्बल, और बहुत ही शांत एटमॉस्फेयर भी है यहाँ पे, कुछ ऐसा सा लगता है यहाँ पर। यहाँ पर रात में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, कभी डांस, सिंगिंग, कैराओके नाइट होता रहता है यहाँ। और ये कुछ मार्केट इनकी ऐसी सी लगती है। अमेजिंग मार्केट लग रही है यार, छोटी सी है लेकिन कितनी प्यारी है। हेलो, ये खाने पीने के रेस्टोरेंट्स, कैफे, सब कुछ है यहाँ पे। कुछ लोग कैमरा देख के थोड़ा टाइ फील करते हैं। तो ये मार्केट यहाँ पर हो जाती है एंड, ऐसे स्लो म्यूजिक चलता रहता है यहाँ पे हर जगह। सापा में थे, सापा में भी ऐसे स्लो म्यूजिक चलता रहता है। विस्पा थंगो खाने पीने का है, काफी पुराना सा कैफे है। अरे वाह, क्या अमेजिंग लग रहा है यार, अंदर बार वगैरह है, मोटेल है रहने के लिए, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। तो ये एक कैफे एंड बार है, अंदर से कुछ ऐसा लगता है। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग लग रहा है। चलते हैं बाहर, पुराने विलेज होते हैं ना बिल्कुल वैसा ही। अभी मैं ट्राई करता हूँ कि ये पूरा आपको कवर करके बाइक से भी एक बार दिखा दूँ, ताकि पूरी तरह से आपको ये जो मार्केट है अच्छे से दिख जाए। फ्रूट्स, और ये जो मैंने आपको होटल में दिखाया था, इस तरीके से बहुत फेमस है यहाँ पर, इस तरीके से लोग रखते हैं अपने घरों में। ये भी कितना क्यूट है यार, यहाँ पर बच्चे बहुत क्यूट हैं। अब इसको ये क्राफ्ट कर, जैसे कि ये देख लो आप, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है कुछ है, ये ऐसे ही है। अब इसको ऐसे में कन्वर्ट कर देंगे, बनाएंगे कुछ ना कुछ ये लोग। और ये है फोर आई गेस, यस 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 फोर। इनका जो कल्चर है, इनका खाना पीना रहना और इनका जो पहनावा है, काफ़ी इन्फ्लुएंस है चाइना से, काफ़ी सिमिलर है चाइना से। ये रेस्टोरेंट है, आपको कैसे ये हाजियन लुक कवर करना है ये मैं शॉर्ट में आपको बता भी देता हूँ। जैसे ही आप लोग हाजियन में अपना हॉस्टल से निकलेंगे, स्टार्ट करेंगे ये लुक, आप लोग सीधा आइए, रुकिए यहाँ पर डोंगमेन में, और देन एक नाइट यहाँ पर रुकिए। उसके बाद उससे पहले जितना पॉइंट्स कवर कर सकते हैं वो करिए, उसके बाद पॉइंट कवर करके वापस हाजियन लुक आप फिनिश कर सकते हैं, और हाजियन वापस आ सकते हैं। दो दिन में
ये जो लूप है ये कवर हो सकता है बहुत इजीली। अभी मैं आपको बाइक पे बैठ के ये सारी मार्केट दिखा रहा हूँ ताकि ओवरऑल आपको पता चल जाए कि एक्चुअली ये मार्केट लगती कैसे। सर उधर भी चलते हैं एक बार आगे, हाँ देखते हैं क्या। आई गेस यहाँ पर ये मार्केट खत्म हो जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए जो कि है फ्लैग टावर। फ्लैग टावर यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर है और हमें कितना टाइम लगता है वो मैं आपको वहाँ पर पहुँच कर बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको सीधा फ्लैग टावर में। दिस इज इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए दिलीप अरमान।